Hello friends, welcome to A3D XRD tutorial. Friends, आज हम सीखेंगे कि AutoCAD के अंदर यूनिट सेट कैसे करते हैं. तो आज जो यूनिट हम सेट करेंगे वो फिट और इंचेज में करेंगे. फ्रेंड्स, यूनिट सेट करने के लिए आपको सबसे पहले UN प्रेस करना पड़ेगा. आप UN प्रेस करते ही आपके सामने ड्रॉइंग यूनिट्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. इसमें आपको टाइप का ऑप्शन मिलेगा. इसके अंदर आपको आर्किटेक्चरल करना है. इसमें आर्किटेक्चरल करने के बाद आप प्रिसीजन के अंदर 1/4 कर दें. इतना करने के बाद आप ओके पर क्लिक करें. फ्रेंड्स, आपकी यूनिट सेट करने के बाद आपको इसकी डायमेंशन सेट करनी है. डायमेंशन सेट करने के लिए आप डी प्रेस करें. अब जैसे डी प्रेस करेंगे आपके सामने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. इसमें आपको एक मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें. मॉडिफाई में आने के बाद आपको प्राइमरी यूनिट्स पर जाना है. प्राइमरी यूनिट्स में आने के बाद आपको यूनिट फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा. इसके अंदर डेसिमल की जगह आपको आर्किटेक्चरल करना है. और जो आपने यूनिट के अंदर प्रिसीजन में 1/4 किया था वो यहाँ पर भी 1/4 करना है. इतना करने के बाद आपको रहना है टेक्स्ट में. टेक्स्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट हाइट का ऑप्शन मिलेगा. इसके अंदर आपको 6 इंच करना है. 6 इंच करने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ISO स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिलेगा. इसको ऑन कर दे. ISO स्टैंडर्ड ऑन करने के बाद आपको जाना है सैंपल एंड एरोज में. यहाँ आपको एरो साइज का ऑप्शन मिलेगा. इसमें 6 इंच करते हैं. फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको जाना है लाइंस में. लाइंस में आने के बाद आपको बेस लाइन स्ट्रेचिंग का ऑप्शन मिलेगा. इसमें भी 6 इंच करना है. और फिर एक्सटेंड बियॉन्ड बिन लाइंस के अंदर भी 6 इंच करना है. यहाँ 6 इंच करने के बाद आपको ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन इसके अंदर भी 6 इंच कर दें. यह करने के बाद आप फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन को ऑन करें. ऑन करने के बाद इसकी लेंथ को भी 6 इंच कर दें. फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है. यहाँ पर ध्यान रखना, आप डायरेक्ट क्लोज मत कर देना वरना आपकी डायमेंशन जो है वो सेट नहीं होगी. डायमेंशन सेट करने के लिए हम सेट करंट पर क्लिक करते हैं. सेट करंट पर क्लिक करके आप क्लोज कर दें. फ्रेंड्स, हमारी यूनिट और डायमेंशन दोनों सेट हो गई है. अब आप इसमें जो भी काम करेंगे वो फिट और इंचेज में ही होगा. तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. आगे आने वाले वीडियो में हम इसमें प्लानिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ऑटोकैड के अंदर हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आगे का वीडियो देखने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें जिससे आगे आने वाला वीडियो आप मिस ना करें.